अच्छा, अब बायनॉमियल से हमने एक फॉर्मूला निकाला हुआ है। ये फॉर्मूला आप उस वक्त यूज करते हो जब आपके पास जो पावर एन है ना वो फ्रैक्शन में हो या अगर वो नेगेटिव हो तब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे होते हो। पहली बात फॉर्मूला क्या मैं बताता हूँ। दूसरी बात कि ये इनफिनिट आता है आपके पास, क्योंकि जब पावर आपके पास कोई नेचुरल होती है ना तो वो सीरीज आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर यहाँ पे पावर 10 हो तो 11 टर्म होंगी ख़त्म हो जाएंगी, पावर अगर 15 हो तो 16 टर्म होंगी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन है फिर आपका ख़त्म नहीं होता, वो चीज़ चलती जाती है इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो कन्वर्ज करिए या डाइवर्ज करिए। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में ये बताया था, अगर कोई इनफाइनाइट तक जा रही है लेकिन जब आप उनको ऐड कर रहे हो तो वो किसी वैल्यू पे अगर कन्वर्ज कर रही है तो उसको आप कन्वर्जेंट बोल दोगे। लेकिन अगर वो डाइवर्ज ही करती जा रही है, मतलब सम बढ़ता जा रहा है तो उसका मतलब वो डाइवर्ज कर रही है। तो ये कैसे पता चलेगा, जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, अगर ये जो एक्स है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगी इसका मतलब आपकी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, और अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही जैसे आपका था ना उसमें ज्योमेट्रिक में यही कॉन्सेप्ट था, वहां पे भी वहां आर की वैल्यू थी, यहां पे ये एक्स की वैल्यू है पूरी, तो अगर ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब अब डाइवर्ज करेगी। तो ये कंडीशन भी वो आपको दे सकते हैं कि कन्वर्ज कब करेगी डाइवर्ज कब करेगी। सर एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स वही तो मैं कह रहा हूं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं ना, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो मतलब अगर एक्स यहां पे पुट कर दो -0.5, लेकिन -0.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 0.5 जो कि लेस देन 1 है, इसका मतलब ये कन्वर्ज करेगी, तभी मैंने एब्सोल्यूट लगाया है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 + nx, पैटर्न आपको समझ आता जाएगा, n(n-1)/2x2। पैटर्न क्या है कि इसके नीचे था 0 फैक्टोरियल, इसके नीचे था 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और दूसरा पैटर्न क्या है, यहाँ पे x की पावर 0 थी, x की पावर 1, x की पावर स्क्वायर, ऊपर पहले n-1 था अब n-2 हो जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल और इधर x की पावर क्यूब हो जाएगी, और ये चीज़ चलती जाएगी। इसकी जनरल टर्म भी होती है लेकिन उस जनरल टर्म से आप बच सकते हो, इतना वो MCQs में आती नहीं है। बस ये आपको शुरू की चीज़ पता होनी चाहिए कि ये होती है, क्योंकि जो शुरू की दो टर्म है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी मैं आप सवाल करवाऊँगा ना उसमें आपको काफ़ी काम आएंगे। तो इस तरीके से इनका सवाल आ रहा होता है, तो ये आप उस वक्त यूज़ करोगे जब आपके पास n जो है वो फ्रैक्शन में है या वो नेगेटिव है। तो या तो वो आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं या इस फॉर्मूले से रिलेटेड ये बातें पूछ सकते हैं, या इस फॉर्मूले में पूछ लेंगे कि n क्या होगा, डिफरेंट बातें वो आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा मैं इसका ज़रा एक सवाल करवाता हूँ, ये मैंने PDF में भी डाला हुआ है, इसमें 8.4 के सवाल काफ़ी मुश्किल है, वो MCQs में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ MCQs के अंदर हैं वो बता देता हूँ कि किस तरह अप्लाई करोगे। हाँ जैसे ये सवाल आ गया कि आपको एक्सपेंशन दे रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन है 1 + 6/x^(1/3). अब आपको दिखने में लग रहा है बायनॉमियल थ्योरम नहीं लगेगा, अच्छा बाय द वे इसको कभी कभी बायनॉमियल सीरीज कह देते हैं हम, जब बायनॉमियल सीरीज की बात होती है ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, जब बायनॉमियल थ्योरम की बात होती है तो हम जो पुराना है वो यूज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट तकरीबन एक जैसे ही है लेकिन मैंने नोट किया कि इस तरह ये बोल रहे होते हैं। बहरहाल अगर आप इस फॉर्मूले को देखो इसमें पावर क्या है 1/3 है, फ्रैक्शन है, तो डेफिनेटली आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। और सवाल क्या है, सवाल ये है कि द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की थर्ड टर्म क्या है, और वो सेकंड टर्म थर्ड टर्म या मैक्सिमम फोर्थ टर्म दे देंगे क्योंकि उसके बाद आपको पता है कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो आपको पता है थर्ड टर्म ये वाली होती है, तो जरा ये निकाल लेते हैं। एन यहाँ पे क्या है 1/3, फिर है n-1, 1/3-1, फिर है x का स्क्वायर, अच्छा पहले नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, अच्छा x यहाँ पे क्या है, ये पूरी चीज x है, x को आप साइन के साथ लोगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आप शामिल करोगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6/x, तो आप 6/x का स्क्वायर कर दोगे। इसके बाद आपको सर, खुद हाँ बोलो इधर आपने 1 + nx लिया, वन ये सेकेंड टर्म है ना, थर्ड टर्म निकालनी थी, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, आपको थर्ड टर्म निकालनी थी, अगर फोर्थ टर्म बोलते तो ये वाला कंसीडर करते। उन्होंने ये नहीं बोला कि शुरू की तीन टर्म निकालो, शुरू की तीन टर्म निकालनी होती तो फिर तीनों आप निकालते, शुरू के आपको जस्ट थर्ड टर्म बोला गया उन्होंने। तो इस पूरी चीज़ को ना आप कैलकुलेटर में सॉल्व करना, खुद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अगर मसला हो रहा है।
और नहीं मसला आ रहा फिर तो इजी है, 1/3 माइनस 1 करोगे ये -2/3 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -2/9, वो वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास -1/9 आ जाएगा। ये होता है 36x2, कैंसिल करो 4 आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा -4/x2। इसका मतलब जो इसकी थर्ड टर्म है वो क्या है, -4/x2 है। मान लीजिए कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर में भी आसानी से कर सकते हो। तो एक तो इस टाइप के सवाल आएंगे इसके, ठीक है, और एक इस टाइप का सवाल आएगा वो ज़रा मैं बता देता हूँ आपको किधर है। हाँ, वो आपको बोलेंगे सर कोएफिशिएंट, मतलब एक आपको खुद करना पड़ेगा सॉल्व। जैसे आपके पास एग्जाम्पल आ जाए, मुझे पता है थोड़ी क्लास बड़ी होगी, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, आज बस 10-15 मिनट रहेंगे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये वो बोलेंगे इसका कोएफिशिएंट निकालो थर्ड टर्म का, तो कोएफिशिएंट या थर्ड टर्म तो बात की बात है, पहले आप इसको इस फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर आप इस फॉर्म में देखो यहाँ पे पहली टर्म 1 होती है तो आपको 1 करना है, पहले 1 कैसे करोगे, तो उसका बहुत इजी तरीका है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें 8 कॉमन लेने वाली बात है इसमें, लेकिन 8x कॉमन लोगे, पूरा 8 कॉमन ही लोगे खाली, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 चाहिए। तो आप यहाँ पे काम करोगे, मैंने अंदर से 8x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, और इस चीज़ में जब कॉमन नहीं है ना तो वो चीज़ डिवाइड हो जाती है, 8x नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वाई में 8x मौजूद नहीं था ना, तो ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो आप नीचे 8x लिख दो। ये सब काम पावर के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 8x को जब आप पावर से बाहर लेकर आओगे तो 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है, और x का क्यूब रूट ऐसे ही लिख दो आप, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1 - y/8x^1/q। तो इसको आप सेपरेट कर दो, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और इस पर आप लगा दोगे ये वाला फॉर्मूला। आपको निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, तो वही काम करना, यहाँ पे n जो है वो 1/3 है, n की जगह 1/3 पुट करना, और यहाँ पे x क्या है, ये पूरी चीज़ है, तो यहाँ पे x की जगह आप पुट कर देना -y/8x। बस सिंप्लीफाई करना है, जो इसका कोएफिशिएंट होगा ना उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपको वेरिएबल से कंसर्न नहीं, उन्होंने बोला था कोएफिशिएंट बताओ इसका। तो इधर से जो इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करोगे, थर्ड टर्म निकालोगे, तो जो जो कोएफिशिएंट आ रहे होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना जस्ट 2 से, तो आपके पास कोएफिशिएंट आ जाएगा इसका क्या है। और अगर पूरी टर्म निकालने को बोला जाए तो इसकी थर्ड टर्म निकालना, उसको मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे से, तो आपके पास पूरी टर्म आ जाएगी विद कोएफिशिएंट और विद एक्स की पावर जो भी आ रही होगी उसके अंदर। तो इसी पैटर्न पे आपने सॉल्व करना है, इसको आप देख लेना। क्लियर है बात यहां तक, कोई सवाल है तो पूछ लो। और जैसे अगर ये सवाल है, कहां गया है, हाँ ये एक्सपेंशन लिखी हुई है, लिखा हुआ है 1 + 8x^-1/2। सवाल क्या है, इफ एक्स बी सो स्मॉल, ये आपने फिजिक्स की डेरिवेशन में काफी काम किया होगा कि एक्स बी सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड। जब एक नंबर बहुत छोटा होता है ना, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे वो और छोटा हो जाता है, जब उसका क्यूब करोगे या और हायर पावर करोगे और छोटा हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि अगर एक्स इसमें बहुत छोटा हो, सच दैट कि इसकी स्क्वायर पावर और इसकी स्क्वायर से ज़्यादा जितनी पावर है उनको आप इग्नोर कर दो, तो तब इस पूरी चीज़ का आंसर क्या होगा। अब इस पर आप ये वाली चीज़ लगाओगे, क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव है, फ्रैक्शन भी है, तो शुरू की 2 टर्म आप कैलकुलेट करोगे, क्यों, क्योंकि तीसरी टर्म में तो एक स्क्वायर आ गया और चौथी टर्म में तो क्यूब आ जाएगा, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप शुरू की जस्ट 2 टर्म आपने कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह करोगे, ईजी कॉन्सेप्ट है। पहली टर्म होती है 1, आप 1 लिख दोगे, फिर दूसरी टर्म होती है n, n यहाँ पे क्या है -1/2, फिर होता है x, x यहाँ पे क्या है 8x के बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 - 4x। तो इस पूरी चीज का आंसर क्या हो जाएगा, 1 - 4x, और बाकी जो टर्म है उनको आप इग्नोर कर दोगे। देखो ये शुरू की 2 टर्म आपने निकालनी है, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब, ये तो हाई पावर, उन्होंने बोला कि निगलेक्ट कर दो इसको, तो शुरू की 2 टर्म निकालनी है बस। 1 आपने लिखा प्लस n, n यहाँ पे क्या है, ये पूरी चीज n है, और x यहाँ पे क्या है, ये पूरी चीज x है। मतलब हाँ,
हर केस में नहीं होती, जब सवाल में बोल रहे हैं वो तब, जैसे इस केस में निगलेक्ट नहीं हुई थी ना, लेकिन जब वो बोल रहे हैं तो फिर आप निगलेक्ट कर दो, जब वो खुद आपको कह रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है निकालने की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये 8.4 और 8.5 के कुछ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उनको आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करना जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट 8 चैप्टर में आपको बोला 8.3 को सॉल्व कर लेना, काफी है आपके लिए। वो सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी है, सवाल के अंदर आपने इस एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करना है, ये एक्सपेंशन है ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है इसको। अगर कोई बच्चा पक गया ना तो वो जा सकता है, मैंने पहले भी, वैसे तुम लोग वैसे चले जाते हो, मैंने पहले बोला था क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि टॉपिक छोटे से हैं, 10 मिनट के टॉपिक हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके जाना नहीं चाह रहा। तो अगर कोई जा रहा है तो वो जा सकता है, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। बहरहाल तो इसको बोले सिंप्लीफाई करो, और वही कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो हायर पावर है स्क्वायर की या क्यूब या जो भी है उनको आपने निगलेक्ट कर देना है ठीक है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करो। ऊपर वाली चीज़ को तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, नीचे देखो अगेन 8 आ गए, तो पहले आप इसको कॉमन ले लो यहाँ से। तो जब आप 8 कॉमन लोगे, ये आप देख लेना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सबसे पहले 8 के ऊपर पावर 1/3 आ जाएगी, फिर अंदर हो जाएगा 1+3x/8, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बिल्कुल यही काम मैंने किया जो यहाँ पे किया था आपने, कि दोनों टर्म से 8 कॉमन लिया था, फिर 8 को आप पावर के बाहर ले आए थे तो उसके ऊपर पावर आ गई थी। अच्छा 8 का जब आप क्यूब रूट निकालते हो ना तो वो 2 आता है, तो ये आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब आप इस पे बाइनोमियल जो है वो लगाओ ठीक है, शुरू की 2 टर्म ही आप कंसीडर करोगे क्योंकि उसके बाद स्क्वायर और क्यूब की टर्म आ जाती है। जरा कंसीडर करो, 1 - x^(1/2), पहली टर्म होगी 1, दूसरी टर्म होगी एन एक्स, एन यहां पे क्या है 1/2, और x यहां पे क्या है -x के बराबर, दैट्स इट, 2 ही टर्म आपने लिखनी है बस। फिर नीचे आ जाओ, 2 जो है इसको सेपरेट कर दो, अगेन आप क्या लिखोगे यहां पे 1+nx, n यहां पे क्या है 1/3, और x यहां पे क्या है 3x/8, और 2 जो है ये आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस पूरी चीज की जगह आपने क्या लिखा 1+ ये वाली चीज, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर हो जाएगा 1 - x/2, नीचे हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल करो, बाहर 2 है 1+x/8, ये सिचुएशन हो जाएगी ठीक है। वही तो बात बोल रहा हूँ कि सवाल में बोल रहे हैं कि हायर पावर को निगलेक्ट कर देना, स्क्वायर पावर क्यूब पावर सबको निगलेक्ट कर दो। हाँ इस सवाल के अंदर भी है मेरे भाई, अगर इस सवाल के अंदर ये ना होना तो फिर पता नहीं कहाँ तक बात चली जाएगी, कितनी टर्म आ जाएंगी इसके अंदर, फिर तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हो कि आप एलसीएम ले लो, 2 1 - 2, मैं नीचे लिख देता हूँ 2 1 - 2, 2 - x/2। अच्छा नीचे यहाँ पे गैस 2 को मल्टीप्लाई, पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लो, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 8+x/8, तो 2 इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा ठीक है, ये 4 को 2 से इस वाले 2 से कैंसिल करो, मतलब 2 1 - 2, 2 2 - 4, ये सिंप्लीफिकेशन है यार देख लेना, बहुत ही बेसिक सी है, मैं क्या बताऊँ इसमें। तो ऊपर बचेगा 2 - x, और नीचे जस्ट आपके पास होगा 8+x/2, नीचे बस 2 बच जाएगा ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 4, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा -2x, तो आपके पास फ्रैक्शन रिड्यूस होकर क्या होगी 4 - 2x/8+x ठीक है। अभी सवाल मुश्किल है, आपके पास आएगा तो वो ईजी आएगा, अभी भी ये बात खत्म नहीं हुई, ये आंसर से मैच नहीं कर रहा होगा। बाइनोमियल में आप ये काम नहीं करते, बाइनोमियल में इससे भी ज्यादा आप सिंप्लीफाई करते हो, और किस तरीके से कि जो नीचे वाली टर्म है इसको आप ऊपर ले जाते हो, 4 - 2x जो है ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, नीचे इस टर्म के ऊपर पावर अभी क्या है 1 है, जब आप ऊपर लेके जाओगे उसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब अगेन इस पर बाइनोमियल का फॉर्मा लगाते हो पूरा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो बाइनोमियल का फॉर्मा लगाओ क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको पता है इसको आपको अगेन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आप यहां से जब 8 कॉमन लोगे ना तो 8 के ऊपर -1 पावर आ जाएगी, पहली टर्म 1 हो जाएगी और दूसरी टर्म हो जाएगी x/8, ये पूरी सिचुएशन है। इसको मैं निकाल लेता हूँ, 8 को मैंने -1 से निकाल लिया, ये आपके पास हो जाएगा, गौर से देख लो इसको,
कि जब आपने अंदर 8 कॉमन लिया तो 8 के ऊपर माइनस 1 पावर आ गई, और फिर जो अंदर कॉमन लेके आप करते हो ये वाली सिचुएशन आपके पास होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2x अपनी जगह पे है, 8 की पावर माइनस 1 को आप लिख सकते हो 1/8, जो कि इतना मसला नहीं करेगा, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। इन दोनों टर्म को कैसे सॉल्व करोगे, बस आखिरी चीज है, उसके बाद तो दो टर्म हो जाएंगी, वो तो आप लोग कर लोगे। अगेन वही काम करना, 1 + nx, n यहां पे क्या है माइनस 1 के बराबर, तो यहां पे माइनस 1 आ जाएगा, और x यहां पे क्या है x/8 के बराबर है, दैट्स इट। उसके बाद यहां पे आप बस एलसीएम लेना, सिंप्लीफाई करना, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था, पहले अलग अलग सिंप्लीफाई करते हो, यहां तक लेकर आते हो, फिर नीचे वाले टर्म को ऊपर ले आते हो, पावर माइनस 1 होती है, अगेन बायनोमियल लगाते हो, फिर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। और जब आप इसको, बस मैं एक आखिरी चीज बता दूं, मैं इसको बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, एक बात बतानी है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा इसमें से अगर जब 2 कॉमन लोगे ना, तो उस 2 को 8 से कैंसिल करोगे, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये टर्म हो जाएगी 2 - x, इसके नीचे 4 आ रहा होगा, और ये टर्म होगी 8 - x डिवाइडेड बाय 8, ये आ रहा होगा, इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32 हो जाएगा, तो ये आपके पास दो टर्म आ रही होंगी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे करोगे, जब आप, ये तो दो बेसिक सी फ्रैक्शंस हैं, फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 16, 2 को माइनस एक्स से करो माइनस 2x, 8 को इससे करो तो टोटल माइनस 10x आ जाएगा। जब आप माइनस एक्स को माइनस एक्स से करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो अगेन आप एक्स स्क्वायर को नहीं लिखोगे, क्योंकि सवाल के स्टार्ट में उन्होंने बोल दिया था कि एक्स स्क्वायर को आपने निगलेक्ट करना है। तो जब आप फाइनल सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर को आप कैंसिल कर दोगे, नीचे 32 आ जाएगा, 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है इन सवालों का। अब पूछो कोई सवाल है तो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, इससे मुश्किल नहीं आता, इस पर टाइम कितना लगेगा बच्चों का, ज्यादा सवाल इस टाइप के होते हैं, तो वही तो बता रहा हूं, जो मुश्किल सवाल कभी मैं करवा देता हूं ना, तो उसका मतलब जस्ट चीजें बताना होता है। अब इसमें काफी चीजें आपने सीखी हैं, एक तो आपने एक्सपेंड किस तरीके से करना है, फिर जब डिवाइड की फॉर्म में है तो नीचे से ऊपर लेके किस तरह आना है, फिर जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है उसको कैसे निगलेक्ट करना है, ये सब चीजें हैं। तो मे बी आपके पेपर में कोई दरमियान की चीज आ जाए, जैसे ये वाला स्टेप आ जाए, इससे आगे आपको सिंप्लीफाई करने का बोले, तो इससे आगे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली चीज आपके पास आती है, तो मैंने पहले से क्लियर कर दी है। या मे बी पेपर में आपको यहां तक सिंप्लीफाई करना हो, आपको ये चीज दे दे और आंसर में ये चीज लिखी हो, तो वो मैंने आपको बता दी है। तो मुश्किल सवाल जब करवाए जाते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली आएगा पेपर में, इसका मतलब ये भी होता है कि स्टूडेंट को मेथड समझ आ जाए, कि उसके अंदर डिफरेंट किस तरीके से आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैं इसलिए बता रहा हूं, तुम लोग कहोगे बार बार सर कह रहे हैं 10 मिनट रह गए, अब बस 2 मिनट का टॉपिक है, लिटरली 2 मिनट का, अब वही आपने बस याद रखना है उसको, वो मशहूर कितनी सीरीज है, 4 सीरीज हैं जो आपने याद रखनी है, और वो याद रखना काफ़ी ईजी है, बस वो मैंने फॉर्मूले बताने और वाकई में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हैं 1 + x^-1, 1 - x^-1, इसी तरह 1 + x^-2, 1 - x^-2, ये 4 फॉर्मूले बहुत ही ईजी हैं। जब पावर माइनस 1 होती है ना, तो आपके पास इस टाइप की टर्म होती है, 1 x² x² x³ x⁴ और चलती जाती है, ठीक है। अच्छा अब दरमियान में इनके क्या आता है, अगर ये वाली चीज़ और ये वाला साइन बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इनका साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो अब ऑल्टरनेट साइन होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह साइन चल रहा होगा। इसमें देखो इन दोनों का साइन मैच कर रहा है, अब इसमें सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये इसकी पूरी सीरीज आ जाएगी। तो इस तरह आप एक्सपेंड कर दोगे, देखो 1 x² x³ x⁴ ये तो आपने लिखने हैं, इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है। असल समझने वाली बात ये कि अगर यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है और नीचे पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों का साइन डिफरेंट है, तो फिर आप इनके दरमियान ऑल्टरनेट साइन लगाओगे, पहली टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह कर रहे होंगे। और इसमें जैसे देखो ये माइनस 1 और ये माइनस 1 दोनों के साइन मैच कर गए, अब आप सबके साथ पॉजिटिव लगा रहे होगे।
और जब माइनस टू आता है तो फिर आप क्या करते हो, वन टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स क्यूब, मतलब पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा, वन टू थ्री फोर और एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी फाइव एक्स फोर, और साइन का वही कॉन्सेप्ट है, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ऑल्टरनेट साइन आएंगे, ठीक है, और अगर दोनों साइन मैच कर गए, दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर तो सबके दरमियान पॉजिटिव ही आ रहा होगा, दैट्स इट, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो ये वो आपसे पूछ रहे थे, इनको अपने पास नोट कर लेना। एक सेकंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी यार जो मैंने आप लोगों को एनडी के पास पेपर दिए हैं उसको सॉल्व करना, अच्छा जो अगेन वही बात जो मैंने बोर्ड एग्जाम की करवाए हैं उसको सॉल्व करना, जो मैंने पीडीएफ दिया है उसको सॉल्व करना, काफी तैयारी हो जाएगी।